क्या है? एक पपाया है, तो लिख दो वन पपाया, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या है? वन पॉमिग्रेनेट, एक तुम्हारे पास अनार है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास दो ऑरेंजेस हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे पास दो पीच है, ठीक है। ये तो है, रुको एक सेकंड, एक पपाया, एक पॉमिग्रेनेट, दो ऑरेंजेस, दो पीचेस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं तुमने रैंडमली इस बास्केट में से एक फ्रूट निकाला, उसे खाया, अगला फ्रूट निकाला, उसको खाया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ पीसेस ऑफ फ्रूट ईटन आर ऑरेंजेस, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एक दफा में निकाला वो भी ऑरेंज, अगली दफा में निकाला वो भी ऑरेंज। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल फ्रूट्स, तो देखो टोटल फ्रूट्स चार पांच है, टोटल फ्रूट्स यहां पर छह है तुम्हारे, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले में निकाला वो ऑरेंज, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? टू डिवाइडेड बाय सिक्स, ठीक। अब उस बास्केट में एक ऑरेंज तो तुमने खा लिया, अब बास्केट में कितने फ्रूट बचे? भाई छह थे, एक ऑरेंज तुमने खा लिया, अब पांच फ्रूट बचे, ठीक। लेकिन ये कह रहे हैं कि और देखो, दो ऑरेंजेस थी, एक ऑरेंज तुमने खा लिया, अब एक ऑरेंज बचा, ठीक है। अभी कह रहे हैं अगला भी ऑरेंज हो तो तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब वन बाय सिक्स से, क्योंकि अब एक ऑरेंज बचा है और टोटल फ्रूट तुम्हारे पास अब छह बचे, ठीक है। योर आंसर विल बी टू बाय, या ऐसे कर लो थ्री, हो जाएगा वन बाय फिफ्टीन, ठीक है। आया समझ में? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो फिर से बास्केट में दो ऑरेंजेस कर देते हैं, टोटल हमारे फ्रूट छह। बी पार्ट है इसमें, ये कह रहे हैं कि अ पपाया एंड अ पॉमिग्रेनेट आर ईटन। पहली दफा में कितने हैं? छह फल है, तुम उठाते हो उसमें से कि वो पपाया है, इसका मतलब वन बाय सिक्स, पपाया एक है तो वन बाय सिक्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगली दफा तुम्हारा पॉमिग्रेनेट है, तुम्हारा अनार है। देखो एक पपाया था वो तुमने खा लिया, पहले छह थे, तुम एक पपाया खा चुके हो, अब टोटल फ्रूट्स कितने बचे? पांच, ठीक। पॉमिग्रेनेट खाओगे तो उसके चांसेस कितने हैं? वन बाय सिक्स, सो ये आंसर विल बी वन बाय थर्टी, ठीक। आया समझ में? इजी है ना। फिर ये कह रहे हैं देखो, ये तो तुम्हारा पहला ये हो गया, पहली दफा में तुमने उठाया, अगली दफा में उठाया, ठीक। हो सकता है तुम ऐसा करो, पहली दफा में पॉमिग्रेनेट खा लो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसके चांसेस हो जाएंगे वन बाय सिक्स। फिर अगली दफा अब कितने फ्रूट्स बचे? अब तुम्हारे पास पांच फल बचे, क्योंकि एक तुम पॉमिग्रेनेट खा चुके हो, पांच लिख दो, ठीक है। पपाया के चांसेस कितने हो जाएंगे? वन बाय फाइव, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी है तुम्हारा वन बाय थर्टी, दोनों को ऐड कर दो, ठीक। हमने ऐड क्यों करा है ऐसे बार बार? क्योंकि देखो हो सकता है पहले पपाया खाया, बाद में पॉमिग्रेनेट खाया, ठीक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई, पहले तुम पॉमिग्रेनेट खाओ बाद में पपाया खाओ, ऐसी बात भी तो है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये आंसर विल बी टू बाय थर्टी, हो गया ये वन बाय फिफ्टीन, ठीक है। आया समझ में? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं इसी के सी पार्ट पे, है ना। दो है हमारे पास ऑरेंजेस, दो ही है हमारे पास पीचेस, ठीक है, और टोटल फ्रूट है हमारे पास छह। सी देखते हैं, ये कह रहा है एटलीस्ट वन पीच इज ईटन, कम से कम एक पीच जरूर खाया। तो देखो ऐसा हो सकता है एक पपाया एक पीच, ठीक, या फिर एक पॉमिग्रेनेट एक पीच, हो सकता है ना, या फिर एक ऑरेंज एक पीच, ऐसा हो सकता है ना। चलो अगर उसने खाया एक पपाया और एक पीच, टोटल है छह फल, ठीक है, एक पपाया खाया एक निकला, कितने बचे? पांच, ठीक। पीचेस की क्या है? दो पीचेस है, तो लिख दो, दो में से कोई भी उठा के खा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है वो पपाया ना खाए, एक पॉमिग्रेनेट खा ले और एक पीच खा ले, क्या करोगे? वन बाय सिक्स, इसमें छह फलों में से एक पॉमिग्रेनेट वो खा चुका है, कितने फल बचे? पांच। पीच के चांसेस दो, कोई भी उठा के खा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है दो ऑरेंजेस हैं, उसमें से कोई ऑरेंज खा ले, है ना, टोटल है फल छह, ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑरेंज खा सकता है, तो टू बाय सिक्स, ठीक है, इनटू एक पीच खाएगा। देखो दो छह फल थे, उसमें से एक वो ऑरेंज खा चुका है ना, कितने फल बचे? पांच, ठीक है। तो फिर अब देखो ऑरेंज ये हो गया तुम्हारा पॉमिग्रेनेट का, यहां पे आए हम ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? टू, टू में से वो कोई भी
खा सकता है, पीस है दो है तो दो में से कोई भी एक पीस ले सकता है, तो 2/5। ठीक है आगे बढ़ो, सपोज करो उसने अब दोनों टाइम्स पे पीच ही खाया है, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 2/6। ठीक है फिर अगले ड्रॉ में उसने क्या खाया, फिर उसने एक पीच उठा के खा लिया, ठीक है तो ये हो जाएगा अब बचे 5 में से वो एक खाएगा 1/5। ठीक है क्लियर है, चलो अब इन सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस फिर से 3 1/15। ठीक है ये हो जाएगा 3 2/15। ठीक है फिर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2/ फिर ये हो जाएगा 1/15। ठीक है देखो इसको ऐड करोगे तो यू गेट द रिजल्ट एज 5/15, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है क्लियर, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।